नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। नाइन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 10 सर्कल। नाउ फर्स्ट पार्ट फिनिश, एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट वी स्टार्ट हियर। First, filling the blanks. Exercise 10.1. Question 1. First, I read the question after solve. Here, the center of the circle lies in a blank of circle. First, here. center of the circle lies in blank. Here two option is given, interior or exterior. Two option is given here. So what here? Interior of the circle. First we return. Interior of the circle. Second, read the question. A point whose distance from the center of circle is greater than its radius lies in blank of the circle. Here, second part, circle, the center, O, but this point greater than the radius. Radius here. This is the radius here. Here radius se jada hai. The outside of the circle. This P. So what happened? This is the radius AOQ, but OP is the outside. Because this is the greater than of the radius. Radius se uska measure thoda jada hai. तो क्या बोलेंगे इसके? इसमें ऑप्शन दिया है दो, इंटीरियर या एक्सटीरियर। तो आउटसाइड ही है, एक्सटीरियर। नाउ थर्ड वन, द लॉन्गेस्ट कोण ऑफ द सर्कल इज ए ब्लैंक ऑफ सर्कल। लॉन्गेस्ट कोण, थर्ड वन, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हियर, मिडल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, सो पी एंड क्यू इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ सर्कल, सो दिस इज द डायमीटर। ओके, योर क्वेश्चन एंड ऑप्शन इज गिवन हियर। Here no option is given. So, diameter. Diameter. This is the diameter. Diameter definition, a chord passes the center of the circle is called diameter. Fourth part. An arc is a blank when its end are the end of the diameter. A arc. Suppose this is arc AB. AB is arc. This arc end of the diameter, and ye diameter hai. Passes the center of the circle. So this is arc AB, which call is this? Semi-circle. आधा है, नीचे भी same है, same measure. Okay, your option is not given. So what written? Semi-circle. यहाँ भी this is also a semi-circle. Semi-circle.
feet. Segment of a circle is region between arc and blank of the circle. Segment की बात कर रहे हैं, आर्क जो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, दिस नाउ हियर सेगमेंट ऑफ सर्कल इज रीजन बिटवीन आर्क एंड ब्लैंक ऑफ द सर्कल. सेगमेंट किसे बोलते हैं, देखो ये आर्क ए बी इज द आर्क, ए बी सी इज द आर्क, दिस इज द आर्क एंड पोल बोथ जॉइंट ईच अदर, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट. हियर गिवन आर्क इज गिवन एंड व्हाट इज रिमेनिंग कोण. ओके, दिस इज द कोण, दिस इज द सेगमेंट, दिस इज द सेगमेंट ऑफ सर्कल. सिक्स नंबर, हियर ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट्स लाइज इन द पार्ट ऑफ सर्कल. ओके, सर्कल देखते हैं, दिस इज द प्लेन, सपोज बीटा प्लेन, सो हियर दिस इज द इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर सर्कल, दिस इज ऑल्सो सर्कल, दिस इज द एक्सटीरियर. सो हाउ मेनी पार्ट दिस सर्कल डिवाइड प्लेन इंटू थ्री पार्ट, वन एक्सटीरियर, सेकेंड इंटीरियर, थर्ड सर्कल. आंसर थ्री. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू. What is given? First, I read the statement. Write true or false. Give the reason for the answer. True or false करना है, reason देना है. First देखते हैं. हाँ, क्या दिया है पहले देख लेते हैं. A line segment joining the circle to the any point of the circle is a radius of a circle. देखते हैं फर्स्ट ये रीजन. सर्कल दिया हुआ है, दिस इज गिवन सर्कल, दिस इज कॉल्ड रेडियस पी क्यू. नाउ अगेन आई रिपीट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, सेंटर में जॉइन किया है, टू द टू एनी पॉइंट ऑफ ऑन द सर्कल इज रेडियस, यानी सेंटर में एक पॉइंट है और दूसरा कोई भी है. देखो यहाँ पी क्यू लेंगे तो भी राइट है, यहाँ लेते हैं पी आर तो भी राइट है, सपोज यू टेकन पी एस इज ऑल्सो राइट. द ट्रू, व्हाट इज द रीजन, डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस. ओके, दिस इज द रीजन. डेफिनेशन रेडियस क्या है, ए लाइन सेगमेंट वन एंड पॉइंट लाइज ऑन ए सर्कल, सेकेंड एंड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड रेडियस. ओके, दिस रीजन आपको इतना ही लिखना है, डेफिनेशन ऑफ रेडियस. सेकेंड, इक्वल सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स. सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स. देखो सर्कल, हियर वन टू थ्री फाइनाइट नंबर बोलते हैं, हियर सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर्स, सो फॉल्स. हियर गिवन फाइनाइट नंबर्स, वी रिटन इनफाइनाइट नंबर. ओके, दिस इज इनफाइनाइट नंबर, दिस गिवन. Now third one, here question be given,
इफ ए सर्कल इज डिवाइड इंटू थ्री इक्वल आर्स ईच इज अ मेजर आर्क। ओके, देखते हैं सर्कल। हाँ, दिस इज सर्कल डिवाइड थ्री इक्वल आर्क। सपोज वी टेकन ये पी क्यू वन आर्क, क्यू आर सेकेंड आर्क, आर पी थ्री आर्क। ओके, ऑल आर इक्वल। दिस इज कॉल यू आर गिवन मेजर आर्क, नॉट ए मेजर आर्क, माइनर आर्क। ओके, बिकॉज दिस इज स्मॉलर पार्ट, स्मॉल पार्ट। ओके, सो फॉल्स। What is the reason? Minor arc. Okay, minor arc आएगी। Fourth देखते हैं। A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of circle. A chord of a circle. ओके, दिस इज अ सर्कल, कोर ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। सबसे लंबी, लंबी लेंगे तो यहाँ होगा, सोच सकता है ए बी यर ओ। ओके, ए बी इज द लॉन्गेस्ट कोर ऑफ द सर्कल, दिस इज द ट्वाइस, दिस ऑल्सो आर 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 वन आर टू, दिस ओ ए इज ऑल्सो रेडियस, OB is also radius. So radius here half of the diameter, but twice of the diameter. ये diameter जो है वो radius से double होता है, इसमें ऐसा ही पूछा है। Okay, this is the double of the diameter. Yes, true. Why? Diameter definition. Okay, diameter की definition है। Okay. Now fifth part we show here. Fifth part here. Sector is the region between the chord and corresponding arc. ओके, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोर एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। हियर सेक्टर फर्स्ट, दिस इज द सेक्टर ओ ए बी, दिस टू आर रेडियस आर आर, दिस इज द आर्क A, B, C. Okay? Here given, what given here? A sector. This is the sector. मैंने बोला था कि two radius आता है, one arc. Last lecture में हमने इसकी definition भी देखी है. Okay? Sector is the region between the chord and its corresponding arc. Okay? This is the rope. Why? Because here, this is the region of the chord and arc. Not a sector. Okay, this is not a sector. False. Okay, क्योंकि इसके अंदर two radius आती हैं और one arc आता है. उसमें given only chord and arc. So false. तो definition of sector. Okay, और sector की definition है इसलिए. Okay, this is called sector. Now exercise 10.1 का last portion क्या दिया देख लेते हैं। A circle is a plane figure. Okay, circle is a plane figure. True or false? देख लेते हैं। Six. Circle. This is a plane figure. Yes, true. Why? Because fixed point P and fixed point Q and distance all are equal of the center. This is a plane. Okay?
दिस इज ट्रू. ओके दिस टाइप एक्सरसाइज 10.1 वी फिनिश. ओके ऑल द स्टूडेंट केयरफुली बिकॉज लर्न अबाउट द फिगर एंड डेफिनेशन. सो इजी फॉर यू. ओके आप ये फिगर और डेफिनेशन करोगे तो इजी पड़ेगा. ओके वरना आपको ये हार्ड पड़ेगा. ये देखते रहना है इसलिए आपको सबको फिगर भी ड्रॉ करनी है डेफिनेशन भी देखना है फिर आप ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो आपको इजी पड़ेगा. ओके ये करते रहना है. आप सब सही होगे ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हैं स्वामी को प्रार्थना करते हैं.